सुबह सुबह पापा से टक्कू मिला, देखो कितना खुश हो रहा है, उसकी पूंछ देखो हिलना बंद नहीं हो रही है। मैं घूमने जा रहा था, नीचे से पापा को कुछ देने के लिए आया और टक्कू मिलके इतना खुश हो गया, खुशी के मारे उसका रोना निकल गया था, कुकू कर दिया आके। चलो भाई इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, नए दिन की शुरुआत है, वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये इतना धीरे क्यों आ रही है वाली लिफ्ट? अच्छा इसमें कचरे का काम चल रहा होगा, कचरे वाले जब आते हैं ना तो दोनों लिफ्ट में से एक लिफ्ट को वो अंडरटेक कर लेते हैं, उनके उसमें चली जाती है, फिर बाकी की एक लिफ्ट नॉर्मल लोगों की यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे पता है इतना खुश क्यों रहता है? क्योंकि देखो इसको प्रॉपर यहाँ पे घास वास खाने को मिलती है, चारों तरफ ग्रीनरी मिलती है ना, यहाँ पे थोड़ा सूखा हुआ है लेकिन हाँ चारों तरफ ग्रीनरी मिलती है। आ गई है देखो कितनी हरियाली है कितनी। तो एनिमल्स को ना ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जो नेचर से जुड़ी रहे, इंसानों को भी ऑब्वियसली, लेकिन आजकल ये सब बिल्डिंगों के चक्कर में बहुत सारी ग्रीनरी ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ पे जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं ना उनको भी देख के आप ऐसा सोचेंगे कि बेचारे इतने उदास क्यों हैं, कि उतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं, मतलब ग्रीनरी नहीं है वहाँ पे, खुशी नहीं है इन लोगों को। और ये भी जब से यहाँ पे आया है तब से बहुत चेंज हो गया है, बहुत खुश रहने लगा है। खैर अभी की मौसम की बात करें तो दोपहर के 12 नहीं बजे हैं, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा हो गई है, मेरा पसीना देख के आपको समझ में आ रहा होगा। और पिछले 4-5 दिन से इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी चल रही है चीज़ों को लेकर, ये टैनिंग भी मुझे अच्छी खासी हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, फॉरेनर लोग टैन होने के लिए इंडिया आते हैं, धूप में बैठ बैठ के खुद को टैन करते हैं, और हम लोग यहाँ पर नेचुरली थोड़े से टैन हो रहे हैं, तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, अच्छा ही है। लेकिन मैंटेलिटी का फ़र्क है, अपन इंडियंस लोगों का ऐसा है अरे बाप रे टैन हो गए भाई, अरे धूप में काले पड़ गए, और फॉरेनर्स लोग वाओ टैन हो गए बढ़िया क्या बात है, ऐसा तो थोड़ा सा मेंटेलिटी का भी फर्क पड़ जाता है। ये सामने देख रहे हो नीचे जो ग्रीन ग्रीन है, ये कोई रोड नहीं है, ये नदी है, जिसमें ये क्या हो गया भैया, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रही क्या है, नदी का पानी के ऊपर हो क्या गया ये। थोड़ा सा आगे पार्ट में पानी दिख रहा है बस, इस जगह पे टक्कू बहुत आने के लिए बेचैन रहता है। मैंने बोला चलो आज चल के देखते ही हैं कि यहाँ पे इतना क्यों आना चाहता है। अबे इधर से मैं कहाँ निकलूँगा, तू तो निकल जाएगा, मैं कहाँ निकलूँगा, इधर चल, हाँ इधर चल अपनी सोचता है टक्कू तू, है ना। ये सब लोग बोलते हैं, जिया भी बोलती है कि जब ये घूमने के लिए आता है मेरे साथ तब मैं इसको नहीं घुमाता हूँ, ये मेरे को घुमाता है। हाँ सही में देखो ना, नोटिस करो ये लीड कर, अबे अच्छा सुसु कर रहा है, लीड नहीं कर, लेकिन ये लीड करता है, देखो ये देखो ये मेरे को लेके जाता है। जिया के साथ आएगा, अंकल के साथ आएगा ना, तो ऐसा है कि फिर वो इसको घुमाते हैं। मेरे को पता नहीं क्या इसने समझ के रखा है कि अरे मेरे को कुत्ता समझ के रखा है टक्कू तूने अपने जैसा, हाँ हाँ कुत्तू बाबू तूने अपने जैसा कुत्तू समझ के रखा है क्या, मेरे को भाव नहीं देता है तू। अच्छा भी बोला कैमरे में तो पीछे चलने लगा, वाह रे होशियार वाह, रिएक्ट ऐसे करेगा जैसे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सच बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आप सोचो कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, उसको सब समझता है, मतलब जितना अपन जैसी लैंग्वेज में बात करते ना, मेरे को समझ में नहीं आया कि उसको ये सब समझता कैसे। बहुत पहले की बात है जब ये बहुत छोटा था, ऐसी मतलब ये बात आई कि इसको कैसे संभालेंगे, कैसे करेंगे, रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, लाइफ टाइम का वो रहता है ना यार, कम नहीं होता है, ये पूरे बच्चों जैसे होते हैं। तो अचानक से ऐसी बात चल रही है मेरी और जिया की, और फिर अचानक से नज़र पड़ी टक्कू कहाँ गया, ढूंढने लगे टक्कू 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 कहीं नहीं दिख रहा है। अचानक से सोफे के नीचे से आवाज़ आई कू कू करके, वो सोफे के नीचे घुस के रो रहा था, लिटरली उसके दोनों आंखों से आंसू थे, जैसे कि हम जो बातें कर रहे थे वो सब सुन रहे हैं। फिर उसके बाद तो मानो कि इसी के वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ। मैं आज भी कल भी जिया को बोल रहा था कि जो कुछ भी आज लाइफ में कर पाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ टक्कू की वजह से। बहुत सारे लोगों को लगेगा ये लाइफ में आया इतना कुछ चेंज हुआ, आज जो मैं मुंबई में इस एज में घर बना लिया अपना, इस एज में मैं सेटल्ड हो गया 30 की एज में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता एज कितनी, एज कितनी है 30 एज है, अचीव कर लिया इतना कुछ, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है टक्कू। अगर ये लाइफ में नहीं आया होता तो पॉसिबल ही नहीं था। अब ये कैसे ये रीज़न हुआ मेरी लाइफ में, जो कुछ मैं अचीव किया हूँ उसका, इसके बारे में कभी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बोल सकता हूँ। और ये चीज़ मैं अकेला नहीं, ये जिया भी मानती है, मैं तो 30 की एज में किया, उसने इतनी कम एज में, वो मेरे से बहुत छोटी है, बहुत छोटी मतलब है छोटी है, फिर भी उसने भी इस एज में करी। तो दोनों का जो है अचीवमेंट का रीज़न सिर्फ यही है। क्या सुन रहे रे इसलिए इसका जो भी कुछ भी बोलता है ना, तो
तो मेरा खून खोल जाता है, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। इसको मत बोलो भाई, वो मतलब वो फैमिली मेंबर जैसा है अभी, वो फैमिली मेंबर है, वो कुत्ता नहीं है। हड़को जीभ निकल गई मेरे कुत्ते की। तो अभी नए वाले घर की तरफ आए हुए थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया था दिन में कि हमको थोड़ा साफ सफाई करना है, विसर्जन के लिए चीज़ें उठाना है। साफ सफाई तो चलो हो जाती, लेकिन विसर्जन के लिए चीज़ें उठाना इंपॉर्टेंट था, वो हमको ही उठाना था। तो मैं जा रहा हूँ, पापा और भूपा जी को छोड़ दिया हूँ यहाँ पे, जिया को और अंडे को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि कारपेट एटलीस्ट रखता हुआ हूँ कि लौटने में हमारे पास इतना ज़्यादा सामान ना रहे। अगर नीचे पहुँच गया हूँ, उनको लेके आता हूँ, फिर साफ सफाई करते हैं। रूम पे आ चुके हैं और मैं लगा रहा हूँ अभी झाड़ू। ये झाड़ू बिल्कुल नई नई है ना, और नई नई झाड़ू से देखो ये कैसा निकलता है। ये ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है चीज़, ऐसा लगता है कि ये झाड़ू साफ़ नहीं कर रही है बल्कि और कचड़ा कर दे रही है। और बाहर की बात करें तो एक बार आपको माहौल दिखा देता हूँ कैसा क्या हो रहा है। ये देखो पापा ने यहाँ पे कुछ किए, और ये फूफा जी वहाँ से हवन का सब निकाल रहे हैं, और ये सारे भगवान और पूरी चौकी उठ गई है और उठा उठा के हमने साइड में रख दिए हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे रखी हुई है। ये केले की बात करें तो केले भैया 3 दर्जन खरीदे थे, लेकिन ये 3 दर्जन केले मतलब ऐसा हुआ कि ख़राब हो गए रात भर में, पता नहीं क्या हो गया उनको। हमने एक कैरी बैग में रख दिए थे कपड़े वाले, इसके चक्कर में वो ख़राब हो गए। फिर दूसरे केले हैं वो पूजा में चढ़ाए गए, दिमाग ख़राब है, ऐसा पता रहता तो खरीदते ही नहीं। लेकिन फिर उसी दिन के लिए टालते पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत भागा दौड़ी थी चीज़ों की। तो यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया है, और पुपा जी ने तुलसी माता को रख लिया, तुलसी माता को रख लिया, बोल रहे कल लेडीज लोग का जितना हमारा दिन है, हम क्यों छोड़ेंगे, हम भी अपना दिन मना रहे हैं, सबको तो करना ही है ना। बढ़िया, ऐसे एंजॉय करते रहो, खुश रहो, चलो बढ़िया। जय तुलसी मैया की जय, जय भी बोल दो तुलसी मैया की, चलो जय बोलो, जय जय शालिग्राम भगवान की जय। तो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं क्या लेके, ये केले हैं, बहुत सारे केले, समोसे, समोसे ये सब चीजें हैं, मिठाइयाँ बहुत सारी चीजें हैं। हमने सोचा यहाँ पे डाल लेते हैं, यहाँ पे गाय कुत्ते बैल भैंस सब आते हैं, वो बेचारे खा लेंगे, खाएगा, आ जा आ जा, चलो 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 डालो डालो, सब लोग आ गए, हाँ सब खा लेगी ना, फालतू फेंकने से क्यों, अच्छा ये बेचारे कचरा खाते हैं, उससे अच्छा ये सब खा लेंगे, है कि नहीं, डाल दो यहाँ पे, हाँ बस बस जा जा खाओ खाओ खाओ, उनको पूछ पूछ करके बुला लो, जाओ जाओ खाओ सब लोग, जाओ पार्टी है तुम्हारी आज, पार्टी है, जाओ लड़ाई मत करना, अब अकेले कोई नहीं खा पाएगा, लड़ना वड़ना नहीं है किसी को, नहीं तो पता चला हमारा, हम भलाई करने आए और इन लोगों के बीच में मारा पीटी हो गई। हाँ गुंडा है क्या बच्चा सा, हाँ। गाय वाय कुछ भी आई खा लेगी यार, यहाँ पे कचरा खाते, अब क्या यहाँ पे गाय दिखती नहीं है, कुछ नहीं दिखता है यहाँ पे, वो देखो एक चोरी से देख रहा है वहाँ पे बेचारा, चलो अब खा रहे हैं मिलजुल के। क्या है मैंने भैंस और गाय को ना दिन में देखी हूँ यहाँ पे कचरा वचरा खाते हुए, मैंने सोची ऐसे फेंकने से अच्छा कचरे में कहीं और जहाँ पे गाय ना आती हो, इससे अच्छा ये ऐसी जगह फेंको जहाँ पे आती है दिन में। अरे कोई भी खा लेगा, गाय कुत्ता बिल्ली भैंस कुछ भी खा लेगा, चमगादड़ कबूतर कोई भी खा लेगा, कीड़े हाँ खाते है ना, हाँ चलो अब यहाँ से निकलते हैं और फटाफट कुछ सामान बाकी है वो लेते हैं घर से। क्या समझा रही हो तुम उसको, लड़कियों को चक्कर नहीं पालते, लाइन मारते हो उसको, उसके लिए नहीं खाने दे रहे उसको, वो अकेली वहाँ पे खा रही, और ये देखो ये गबरू जवान लड़के लोग ये सब बैठे हैं लड़की के चक्कर में कि लड़की को डिस्टर्ब नहीं करना, एक बार दांत दिखा दी सब पीछे हट के आ गए। तो भैया रात हो चुकी है और मैं सोने के लिए अपने बिस्तर में आ गया हूँ। आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। हम फिर से कल या परसों एक नए व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।